गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। और आज आपको जो वीडियो देखने को मिल रही है बैटरी का, जो आपा आपको थ्री व्हीलर जो मिलता है देखने को कुछ इस तरीके की लुक्स के साथ मिलता है। और ये मेरे सामने है आपा जो ऑटो है, ये बैटरी वाला ऑटो आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पर ये चार्जिंग के लिए बेसिकली आया हुआ है। तो सबसे पहले बताएं इसकी फ्रंट प्रोफाइल की बात करते हैं, तो एक अलग ही डिज़ाइनर अलग ही डिज़ाइन किया हुआ, कुछ कलर शेड भी कुछ अलग डिफरेंट दिया है इलेक्ट्रिक व्हीकल को। तो ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल आपको देखने को मिलता है ऑटो के रूप में, यहाँ पर ये कुछ इस तरीके का स्मार्ट लुक देता है। बहुत ही शानदार लुक इसका बनाया गया है। हेडलैम्प्स इसमें दिए गए हैं हैलोजन के अंदर, टर्न इंडिकेटर्स दिए गए हैं, एक वाइपर दिया गया है। वाइपर के साथ यहाँ पर आपको मिल जाता है देखने को कुछ इस तरीके की कलर के साथ। सस्पेंशन की बात करें तो सस्पेंशन कुछ इस तरीके का यहाँ पर इसका देखने को मिलता है। तो ये बात की हमने इसकी फ्रंट प्रोफाइल की, साइड प्रोफाइल से कुछ इस तरीके का लुक इसका देखने को मिल जाता है आपको। तो बहुत ही प्यारा सा एक लुक दिया है, कलरफुल जो लुक दिया है वो इसको यहाँ पर आप देखने को मिलता है। साइड प्रोफाइल में यहाँ पर देखिए ये डोर यहाँ से खुल जाता है, इस तरीके से ये डोर यहाँ से खुल जाता है। तो पैसेंजर के लिए यहाँ पर दोनों तरफ जो है डोर्स दिए गए हैं, और ये डोर्स इस तरीके से ओपन हो जाते हैं सो दैट ईजीली बैठ सकता है पैसेंजर। यहाँ पर तीन लोगों के बैठने की सफिशेंट अमाउंट में सीट भी यहाँ पर देखिए दी गई है, जो कि कुशनिंग जिसकी बात करूँ तो कुशनिंग भी ठीक है, काफ़ी अच्छी कुशनिंग है। और जो बनाया गया है गाड़ी को काफ़ी इम्प्रेसिव बनाया गया है, कलरफुल जो बनाया गया है देखकर कुछ अलग ही फील आता है इसको। अगर जाते हुए सड़क पर देखते हैं तो इसको देखने का आपको यहाँ पर बहुत ही मज़ा आने वाला है। इलेक्ट्रिक की यहाँ पर आपको बैजिंग मिल जाती है, इलेक्ट्रिक की बैजिंग के साथ यहाँ पर कुछ इस तरीके का ये वाला आपको साइड प्रोफाइल देखने को मिलता है। अब बात करेंगे इसकी यहाँ से ड्राइविंग साइड में सीट पर बैठकर, तो ये कुछ इस तरीके का यहाँ पर आपको हैंडल बार देखने को मिलता है। यहाँ हैंडल बार देखने को मिल जाता है, ये आपकी यहाँ पर कंट्रोलिंग्स दी गई हैं, वाइपर का बटन यहाँ दिया गया है, पार्किंग के लाइट के ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं सारे, और ये हेडलैम्प का ऑप्शन दिया गया है। ये उसका कुछ यहाँ पर आपको मीटर इस तरीके का देखने को मिलता है। गाड़ी के अंदर अभी बैटरी नहीं है, फिर भी ऑन करके देखते हैं कुछ किस तरीके का यहाँ पर, क्योंकि बैटरी अभी ऑन नहीं है, तो बैटरी ना होने की वजह से। तो ये आपको रिवर्स का आपको यहाँ पर देखने को मिलता है ऑप्शन, हेडलैम्प अगर जलता है तो यहाँ पर इंडिकेट करता है, वो न्यूट्रल जो गियर में है वो यहाँ पर इंडिकेट करता है, फ्यूल की बताता है आपको, और बैटरी का भी आपको सिग्नल देता है कितनी बैटरी इसके अंदर है। और ये कुछ इस तरीके का यहाँ पर आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर डिजिटल में देखने को मिलता है। ये आपका कुछ यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पर आपको दिया गया है ग्लव बॉक्स, तो ये कुछ इस तरीके से खुल जाता है। तो यहाँ पर आप अपना जैसे पर्स रख सकते हैं, टूल किट भी यहाँ पर रखी हुई है, तो काफ़ी सामान आपका यहाँ पर भी आ जाता है, मोबाइल फ़ोन आप यहाँ रख सकते हैं अपना। और ये कुछ इस तरीके का यहाँ पे ग्लव बॉक्स दिया हुआ है, और हैंडल बार के साथ में यहाँ पर कंट्रोलिंग दी गई है, ये आप देख सकते हैं, ये कंट्रोलिंग है, हॉर्न है, ये टर्न इंडिकेटर का ऑप्शन है, यहाँ पर दिया गया हेडलैम्प का आपको ऑप्शन अप एंड डाउन करने का, और ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर नीचे आपको देखने को मिलती है, ये हैंड ब्रेक देखने को मिल जाती है, ये कुछ इस तरीके के हैंड ब्रेक यहाँ पर दी गई है। ये आपको बॉटल स्टैंड दिया गया है, पानी की बॉटल इसके अंदर रखी है, आराम से आप यहाँ पर पानी की बॉटल रख के चल सकते हैं। यहाँ पर जो ये स्विच देख रहे हैं, ये ऑन ऑफ का स्विच यहाँ पर दिया गया है, ये रिवर्स के ऑप्शन पर न्यूट्रल है, और ये हमारा आ जाता है इस तरीके से, इसको आप ये न्यूट्रल पे, अब ये ऑफ हो गया, और ये आपको, तो ये अभी ऑफ मोड पर है, यहाँ से अगर मैं इस तरफ करता हूँ टर्न तो ये फर्स्ट गियर इसका डल जाता है, और ये आपका फुल स्पीड पर जो गाड़ी चलती है फ्लाईओवर पर चढ़ती चढ़ जाती है, हाँ फ्लाईओवर के ऊपर भी चढ़ जाती है अगर आप इसको यहाँ से ऑप्शन करते हैं। वजन चाहे जितना भी हो गाड़ी फ्लाईओवर पर चढ़ जाती है, गाड़ी की पावर जो इस तरीके से दी गई है, नीचे आप देख सकते हैं ये ब्रेक लीवर यहाँ पर, ये ब्रेक ऑयल यहाँ पर डल जाता है ब्रेक ऑयल, और ये आपका ब्रेक पैडल है, यहाँ से आप ब्रेकिंग सिस्टम देख सकते हैं, इस तरीके से ब्रेक लग जाती है। तो ये कुछ हमने ड्राइविंग साइड केबिन की बात की, यहाँ पर आपको दो मिल जाते हैं, रियर व्यू मिरर मिल जाते हैं, सेंटर में आपको देखने को मिल जाता है एक यहाँ पर आपका IRVM, और ये कुछ इस तरीके की इसकी प्रोफाइल के बारे में बात की। पीछे की बात करते हैं रियर की, और बैठकर बताते हैं आपको पीछे का क्या माहौल है। कुछ इस तरीके का आपको सीटिंग एरिया देखने को मिलता है यहाँ पर, ये इस तरीके की सीटिंग आपको मिल जाती है, कंफर्टेबल तीन लोग बैठकर आराम से जर्नी कर सकते हैं, चार भी बैठ सकते हैं इसमें। तो चलिए अंदर चलते हैं, ऑटो के अंदर बैठ के देखते हैं कि क्या इसका माहौल है। और देखिए
बड़े आराम से यहाँ पर मैं बैठा हूँ, लेग स्पेस भी काफ़ी है और स्पेस ज़्यादा दिया गया है, काफ़ी स्पेस बड़ा है इसके अंदर। आराम से आप बैठिए और जर्नी कीजिए। और ये कुछ यहाँ से फ्रंट प्रोफाइल आपको देखने को मिलती है, ऊपर आपकी ये रूफ़ है, ये रूफ़ आपको मिल जाती है, उसमें फैब्रिक में रूफ़ मिल जाती है और कुछ इस तरीके का ये यहाँ से लुक देखने को मिलता है आपको इस पार्ट का। यहाँ पर आपका मीटर दिया गया है, जो मीटर के अकॉर्डिंग आप यहाँ से बैठकर चल सकते हैं, पर किलोमीटर जितना भी सिस्टम है उसके अकॉर्डिंगली आप पे कीजिए और चल दीजिए। तो ये बात हो गई हमारी रियर प्रोफाइल की। तो काफ़ी अच्छे अमाउंट में यहाँ पर स्पेस हमें देखने को मिलता है, कुछ इस तरीके से काफ़ी अच्छे अमाउंट में स्पेस मिल जाता देखने को। तो ये है गाड़ी हमारी इलेक्ट्रिक ऑटो। बात करेंगे इसकी बैक प्रोफाइल की, तो यहाँ पर बैटरी इसकी अभी चार्ज हो रही है, तीन बैटरियाँ इसके अंदर लगती हैं। ये तीन केबिन आपको देखने को मिल जाते हैं, अलग अलग तीन केबिन यहाँ पर दिए हुए हैं बैटरी के लिए, कुछ इस तरीके के केबिन यहाँ पर मिले हुए हैं। टेल लैंप आपको पीछे मिल जाता है, स्टॉप टेल लैंप और रिवर्स आपका इंडिकेटर भी यहाँ पर देखने को मिलता है। ये आपका मिल जाता है टर्न इंडिकेटर, ब्रेक लैंप, और ये यहाँ पर इस तरीके की आपको बैक प्रोफाइल देखने को मिलती है इसकी। तो बात करेंगे इसकी अब हमारी चार्जिंग ऑप्शन की। तो यहाँ पर ये देखिए बैटरी जो है यहाँ पर चार्ज हो रही है, ये हमारी जो तीनों बैटरी हैं। तो इसमें जो बैटरी आपकी ये रखी हुई देख रहे हैं आप, ये बैटरियाँ सामने वाले सिस्टम के अंदर जाएंगी, एक बैटरी चार्ज होगी उसको वापस निकलेगी फिर एक डलेगी। तो इस तरीके से ये तीनों बैटरियाँ यहाँ पे चार्ज हो जाएंगी। तो यहाँ पे आधा घंटे का समय लगेगा और फुल चार्ज हो जाएगी, और उसके बाद ये गाड़ी एक बार फुल चार्ज हो जाने के बाद ये गाड़ी आपकी 80 किलोमीटर तक चलती है। और तो इसमें भी बताया कि यहाँ पर एक बार ये फुल चार्ज हो जाती है तो 80 किलोमीटर तक चलती है और फिर आप कहीं भी इसको रिचार्ज करवा सकते हैं। तो ये एक स्टेशन बना हुआ है जो स्वैप पॉइंट है, यहाँ पर सन मोबिलिटी का स्वैप पॉइंट BSES यहाँ पर लिखा हुआ है, और यहाँ से आप इसको चार्ज करवा सकते हैं। दिल्ली में कहीं पर भी जाकर आप इसको चार्ज करवा सकते हैं। तो गाड़ी के जो ऑनर हैं मिस्टर राम हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं गाड़ी के बारे में। तो ये राम जी कितने की गाड़ी ली आपने? ये 380,000 रुपये की गाड़ी ली है, और ये एक बार चार्ज होने के बाद 80 किलोमीटर चलती है। तो ये जो गाड़ी है, ये गाड़ी की जो चार्जिंग के पेमेंट है वो क्या देते हैं आप बैटरी चार्ज करने की? 6,000 रुपये महीना आप दे सकते हो? अच्छा देते हैं। और कैसे भी ले सकते हो, पूरी दिल्ली में 250 पंप बने हुए हैं। अच्छा अच्छा, कम से कम ही नहीं जरूरत है, 250 पंप, 250 पंप बने हुए हैं जी। ये तुम्हारे तायपुर है, दिलसाद गार्डन है, आसपास के एरिया में हर जगह मिल जाते हैं, सीलमपुर है, चार्जिंग की समस्या नहीं है? नहीं है जी बिल्कुल। आपको कभी परेशानी हुई चार्ज करने में इसको? कोई परेशानी नहीं हुई। कभी कभी होती दिक्कत हो जाती है, खराब हो जाते हैं तो यहाँ से नहीं मिलते, कहीं और से ले लो। अच्छा, कभी कभी तो हमारी बैटरी भी डाउन हो जाती है। हाँ, तो हम क्या करते हैं, निकाल के दूसरी गाड़ी में रख के ले आते हैं, वहाँ से निकाल के ले आते, निकाल के ले आते। तो गाड़ी से आप सेटिस्फाइड हैं? हाँ जी, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं आई अभी तक, अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई। कोई खास बात बताना चाहेंगे इस गाड़ी के बारे में? खास बात ये, बड़ी चलती है, अच्छी लगती है मेरे को। अच्छा, पहले मैं वो दूसरा ऑटो चलाता था। हाँ, वो भी चल रहा है, वो मेरा दिल वो चलाया 10 साल। 10 साल ऑटो चलाया आपने वो वाला? अच्छा अच्छा, वाला जो है। हाँ हाँ, 7.5 लाख रुपये का वो 7.5 लाख रुपये का है। तो इसमें भी लिया, एक महीना हो गया, एक महीना हुआ है। गवर्नमेंट से सब्सिडी मिली है इसमें? हाँ जी, 30,000 मिली है। 30,000 रुपये की सब्सिडी भी मिली है? हाँ जी। बहुत बढ़िया। तो 380,000 का ये आपने लिया जिसमें 30,000 की आपको सब्सिडी मिली है। तो वजन वगैरह वेट वगैरह डाल के उठा लेती है गाड़ी? उठा लेती है, 6 सवारी 5 सवारी जितनी मर्जी बिठा लो, कोई दिक्कत, कोई लोड की कोई परेशानी नहीं लेती और अच्छी चलती है, सही चलती है, बड़े भक्ति है। अच्छा, दिक्कत नहीं आती इसकी? इसकी स्पीड है इसकी 50 से नीचे, 50 से नीचे चलती है, 48 तक है मैक्सिमम, 48 तक की स्पीड है, 48। तो इसकी एक बात और मुझे बताएं आपकी, ये जो गाड़ी आपने जो दी है इसकी कहते हैं कि बैटरी की लाइफ कितनी है, कितने साल? 3 साल की गारंटी है जी। 3 साल तक बैटरी चलेगी? गाड़ी की 3 साल की गारंटी, कुछ भी खराब हो जाए। हाँ, 3 साल की गारंटी है, 3 साल की गारंटी है। तो ये बताएं आप मुझे कि अगर 3 साल के बाद बैटरी बदलेंगे तो कितने की आई, कोई आइडिया है? मिल जाएगी, मिलेगी 60,000 रुपये करीब की मिलेगी। 60,000 रुपये की अंदाजा है, अंदाजा है आपका 60,000 रुपये? मैंने पूछा नहीं उनसे। अच्छा ठीक है, तो कुल मिला के आप संतुष्ट हैं? आप चाहेंगे लोगों को कहना कि इस गाड़ी को लिया जाए? मैं तो कहता हूँ ले लो, मैं तो सबको कहता हूँ ले लो, चलाओ, मैं तो मुझे 1,200 कमाता हूँ उससे, अपने घर चले जाता हूँ 3-4 बजे। बहुत बढ़िया, बहुत ज़्यादा करता नहीं अपना, इतनी मेहनत करता हूँ अपना, इतने रोज बहुत मिल जाए, 1,200 रुपये रोज कमा के घर चले जाते हैं, 200 उसके, 1,000 अपने, बहुत बहुत है, 200 बैटरी के, 1,000 अपने, बहुत है, हमें क्या करना है।
ठीक है, 200 बैटरी के और 1000 अपने, बहुत है, बहुत है, ज़्यादा नहीं करना कुछ। तो ये बात की हमने आज राम जी से, और उन्होंने बताया कि एक हैप्पी कस्टमर हैं और गाड़ी को चला के बड़ा मज़ा आ रहा है, उनको काफ़ी एंजॉय फील कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम बताना चाहेंगे आपको आज की हमारी वीडियो जो हमने इलेक्ट्रिक ऑटो के बारे में बनाई थी, तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन मुझे यहाँ पे लगा। गाड़ी भी बहुत ब्यूटीफुल लग रही है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है, बड़ा अच्छा अपीलिंग सा लुक दिया हुआ है और इम्प्रेसिव है। और फीचर्स की भी बात की हमने यहाँ पर, हमने राइड की बात भी की कि कितनी राइड के अंदर क्या कंफर्ट है, कितना लोड ले लेती है। ओवरऑल वीडियो हमने जो बनाई ये इस इंफॉर्मेटिव देने के लिए कि आप इसको भी ले सकते हैं, जो लोग ऑटो ड्राइव करते हैं उनके लिए। तो वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताना, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। मिलेंगे एक और नेक्स्ट व्लॉग में आपसे जल्दी ही। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।